हेलो एवरीवन रेजोमैक्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है हम लोग इकोनॉमी के कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख रहे थे उसमें से एक कंसेप्ट है आपका नेशनल इनकम के बारे में कि नेशनल इनकम है क्या नेशनल इनकम एक पूरा अपने आप में एक चैप्टर भी है और इससे कई सारी चीज़ें कई सारे सवाल बनते भी हैं आपने जी का नाम सुना होगा आपने जी आप, का एन का इनका नाम सुना होगा पर्सनल इनकम नेशनल इनकम का रिलेशन वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ समझेंगे नेशनल इनकम में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसके डेफिनेशन देखेंगे होती क्या है दूसरा नेशनल इनकम के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम इसके अलावा फैक्टर कॉस्ट वर्केस वर्सेस मार्केट प्राइस ये है क्या नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट एट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस ये क्या है इसके अलावा हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन फॉर्मूला देखेंगे इसके अलावा लास्ट में हम लोग पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के बीच का रिलेशन देखेंगे शुरुआत करते हैं डेफिनेशन वाले पार्ट से नेशनल इनकम होती क्या है जैसे आपकी अपनी इनकम है आ, आपके पास आपके फादर की अपनी होगी आपके फैमिली के जो अलग अलग मेम्बर्स हैं, उनकी अपनी इनकम है आपके पड़ोस में जितने लोग हैं उनकी अपनी इनकम आपके सिटी में जितने लोग हैं उनकी अपनी इनकम है यदि पूरे कंट्री में जितने भी लोग हैं उनकी इनकम जोड़ दें तो उसको क्या बोलेंगे नेशनल इनकम तो डेफिनेशन को दो तरीके से ले सकते हैं डेफिनेशन को दो तरीके से समझा जा सकता है टोटल इनकम ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड विच इज जनरली वन फाइनेंशियल ईयर तो वन फाइनेंशियल ईयर में जितने भी सिटीजन हैं उनकी इनकम का सम आपकी मेरी आपके मोहल्ले के आपके पड़ोस के आपके गाँव के इस तरीके से हर पर्सन की कंडीशन क्या है ऑल सिटीजन जिन जो भी सिटीजन जिनकी इनकम है उसको सम कर ले ये तो पर्सनल इनकम का सम एक तरीका तो है होगा यदि तो हम इकोनॉमी के कंट्रेस्ट में इसकी सेकंड डेफिनेशन लें तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी के टर्म्स में पैसे के टर्म्स में ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम विच इज जनरली वन फाइनेंशियल ईयर द टोटल मोनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देट आर प्रोड्यूस विद इन द कंट्री उस कंट्री में प्रोड्यूस सभी गुड्स एंड सर्विसेस का टोटल सम निकाल ले तो भाई एक साल में कितनी नेशनल इनकम हुई होगी तो सबका निकाल लो जो जो गुड्स प्रोड्यूस हुई जो सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करेगी उनमें जो इनकम हुई उसके थ्रू जो इनकम जनरेट हुई उसका सम कर लो तो दोनों तरीके हैं समझने के लिए डेफिनेशन हम दोनों समझ ली लेकिन ये मान के चलो कि डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि मैक्सिमम जो क्राउड है आप लोग देख रहे हो वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में डेफिनेशन से सवाल नहीं बनता स्टेटमेंट से सवाल ज़रूर बन सकता है इसके लिए मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी यदि डेफिनेशन ही पूछता तो हम कोई भी एक डेफिनेशन पढ़ लेते लेकिन स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट दे सकता है और तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे टोटल इनकम ऑफ ऑल सिटीजन टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो दोनों डेफिनेशंस को आपको यहाँ पर याद रखना होगा यार नेशनल इनकम निकालते कैसे हैं क्या हर सिटीजन को फ़ोन लगा लगा के पूछेंगे आपकी कितनी की इनकम हुई आपकी कितनी इनकम हुई क्या सारे गुड्स एंड सर्विसेज का पूरा निकालेंगे तो उसका हम कैलकुलेशन में फॉर्मूला देखेंगे लेकिन उसके पहले एक बात यहाँ पर समझिए सिटीजन मतलब क्या टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विद इन दैट कंट्री यहाँ पर तो वो गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो रही है जिनका प्रोडक्शन बाहर की कंपनियाँ आके कर रही है यहाँ पर सिटीजन में वो सिटीजन भी इंक्लूड है क्या जो कि एन आर आई है एन आर आईज भी तो सिटीजन ही होते हैं क्या आप इनको भी इंक्लूड करते हैं यानी आप केवल क्या आप उन्हीं सिटीजन को ले रहे हैं जिनका रेजिडेंट इंडिया में है तो इस बेसिस पे नेशनल इनकम को टाइप में डिवाइड करा जाता है यदि आप किन्हें कंसीडर कर रहे हैं पर्सन में नेशनल इनकम में जो पर्सन है जिनका टोटल बस सभी लोगों की इनकम का सम नेशनल इनकम होगा लेकिन वो पर्सन है कौन है कौन वो वो आप पर्सन जो कंसिडर कर रहे हो वो रेजिडेंट के बेसिस पे कर रहे हो या सिटीजन के बेसिस पे कर रहे हो हमारे रेजिडेंट ऑफ कंट्री है या सिटीजन ऑफ सिटीजन ऑफ कंट्री है अब रेजिडेंस का मतलब ये हो गया यदि आपका इंडिया है तो यहां पर कौन कौन लोग रह रहा है इट डज नॉट मैटर कि वो सिटीजन इंडियन सिटीजन है या नहीं है कंडीशन यह है कि वो इंडिया की टेरिटरी में रह रहा हो यदि आपकी के या वो कंपनी इंडिया की टेरिटरी में बैठ के काम कर रही हो के एफ फॉर एग्जाम्पल के एफ सी बाहर की कंपनी है अब यदि के इंडिया में अपने ऑपरेशन चला रही है और यदि आप के को एज ए रेजिडेंट कंपनी मान के चल रहे हो तो आप इसे नेशनल इनकम में कंसिडर करोगे या नहीं करोगे यदि आप इसे नेशनल इनकम में कंसिडर करते हो तो आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीडीपी इज रिलेटेड टू रेजिडेंट्स इट डज नॉट डील सिटीजन अब यहां पर यदि अब इस टेरिटरी में इस इंडियन टेरिटरी में जो लोग यहां पर जो सिटीजन हैं हम केवल उनकी इनकम कंसिडर करेंगे यदि कोई एनआरआई है एन आर आई होगा तो नो no डाउट इस टेरेटरी में तो होगा नहीं और यदि इस टेरेटरी में है नहीं तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे जबकि एक तरीका यह है कि हम केवल जो रेजिडेंट्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है हम बात करेंगे हमारे सिटीजन्स की हम बात करेंगे हमारी इंडियन कंपनीज की वो कंपनी ये मैटर नहीं कर रहा कि वो कंपनी इंडिया में ऑपरेशन चला रही है या बाहर चला रही है ये मैटर नहीं करेगा यदि दूसरे केस में कि यदि वो सिटीजन इंडिया के अंदर रह रहा है कि बार एज एन आर आई रहा है यदि यहां पर बात नेशनल सिटीजन की होती है इंडियन सिटीजन की होती है नेशनल कंपनीज की होती है तो इसको बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी ये हो गया जी एन पी तो यदि बात करें टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम नेशनल इनकम को आपका देखने का नजरिया क्या है उस बेसिस पे तो एक तो हो गया जीडीपी, एक हो गया आपका जीएनपी, इस जीडीपी से निकला है एनडीपी, और इस जीएनपी से निकला है फोर्थ टाइप एनएनपी। ये हम लोग बाद में समझेंगे पहले इन दोनों का बेसिक डिफरेंस समझिए तो जीडीपी एंड जीएनपी यदि जीडीपी और जीएनपी की बात करें तो जीडीपी मींस और जीएनपी मींस टोटल इनकम ऑफ ऑल सिटीजन्स और यहां पर सिटीजेंस में इंडियन कंपनीज भी आ जाती है इंक्लूडिंग इट डज नॉट मैटर इट डज नॉट मैटर एनी सिटीजन वेयर ही इज लिविंग वो इंडिया में रह रहा है कि इंडिया के बाहर रह रहा है ये मैटर नहीं करता जीडीपी में ये मैटर करता है कि आप इट इज रिलेटेड टू टेरिटरी। इस टेरिटरी में इस इंडियन टेरिटरी में जितने भी गुड्स जितनी भी सर्विस प्रोड्यूस हो रही है उनकी वैल्यू इस टेरिटरी में जितने भी रेजिडेंस हैं जो जो भी हमारे पास रेजिडेंशियल पॉपुलेशन है उनकी टोटल वैल्यू तो ये है जीडीपी जीएनपी में डिफरेंस अब यहां पर बात कर रहे थे एक डेफिनेशन आपको ये आई थी यहां पर आइए आप टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यदि टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो नो डाउट आप नो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं मशीन का टूल्स का यूज कर रहे होंगे तो आप आपकी फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेते हैं यदि आपने गाड़ी ली उसको आपने सर्विस पे आपने उसको बुकिंग पे चलाया आपने एक कार ख़रीदी और आपने उसको टैक्सी एज ए टैक्सी चलाया बुकिंग पे चलाया तो आपकी एक दिन की आ, तीन सौ दिन आपने बुकिंग पे चलाया और एक दिन आपने एक दिन में आपने तीन सौ रुपये कमाए कितने हो गए आपने नब्बे हजार रुपये साल भर के उस टैक्सी से कमाए ये तो हो गया आपका ग्रोस इनकम ये क्या हो गई ग्रोस इनकम लेकिन उस टैक्सी में आपने एक बार इतना ये कमाया है उस टैक्सी के मेंटेनेंस में आपने कुछ पैसा खर्च करा यदि बीस हजार रुपये आपने टैक्सी के मेंटेनेंस में जैसे टायर वगैरह कुछ चेंज कराना है जो भी चीजें मेंटेनेंस में खर्च करा तो आप इसे तो कंसिडर करोगे ना इस जो कमाया उसमें से बीस हजार तो इसी में चला गया यानी आपकी यदि मैं नेट इनकम की बात करूं तो नेट इनकम तो कितनी हो जाएगी नब्बे हज़ार हमारी ग्रोस इनकम थी उसमें से हमने जो ये एक्स्ट्रा मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर निकाला तो सेवेंटी थाउजेंड क्या हो गया नेट इनकम हो गई तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए ग्रोस और नेट के बीच का रिलेशन जब आप मोनिट्री वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं जो सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं जिन भी टूल्स के थ्रू आप ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उन टूल्स एंड सर्विसेज की वैल्यू भी तो मार्केट में डाउन होती होगी वो टूल्स एंड सर्विसेज के मेंटेनेंस में वो टूल्स एंड सर्विसेज की वैल्यू मार्केट में डाउन होती है उनके मेंटेनेंस में आपको खर्च करना पड़ता होगा जिस गुड्स को आप आज जिस भी मशीन टूल से प्रोड्यूस कर रहे हैं उस मशीन टूल के मेंटेनेंस में खर्च करना होता हो तो उस चीज़ को बोलते हैं डेप्रीशिएशन तो कंसेप्ट ऑफ डेप्रीशिएशन आपको समझ में आया होगा अब जरूरत होती है आपने बात करी जीडीपी की आपने बात करी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की लेकिन इसमें आपने जीडीपी तो निकाला लेकिन ये इस इस इनकम का इस इनकम का एक पार्ट एज ए डेप्रिसिएशन आपका खर्च हुआ जो कि आपके पास है नहीं एक्चुअल तो आपके पास कितना आया जब आप इस पर से डेप्रिसिएशन निकालोगे जब आप जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बोलेंगे एनडीपी जब आप जीएनपी में से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिशिएशन की वैल्यू जो पैसा आपका डिप्रिशिएशन में खर्च हुआ उसको निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा नेट नेशनल इनकम प्रोडक्ट एन तो व्हाट इज एनएनपी जी डी पी जीएनपी जी जी माइनस डेप्रीशिएशन वाट इज एनडीपी जी डी पी माइनस एप्रीशिएशन ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है एक रिलेशन जीडीपी और जीएनपी के बीच में भी आता है यदि जीडीपी और जीएनपी के बीच पर रिलेशन की बात करें भाई हमने एनएनपी और जीएनपी के बीच का रिलेशन देखा जीडीपी और एनडीपी के बीच का रिलेशन देखा यदि बात करें रिलेशन बिटवीन जीडीपी डी एंड जीएनपी तो जीडीपी मतलब टोटल इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स अब इसमें जीएनपी क्या होता है टोटल इनकम ऑफ ऑल सिटीजन अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है और क्या नहीं है यदि मैं इस जीडीपी को जीडीपी का मतलब ये हो गया अब यदि इसमें से टोटल रेजिडेंट्स रेजिडेंट्स हैं अब इसमें वो सिटीजन नहीं है जो हमारे एनआरआईस हम की इनकम इंक्लूड कर दें इसमें इसमें वो भी है, इस वो इनकम इनकम भी भी इंक्लूड इंक्लूड है है उन रेजिडेंट्स की इनकम भी इंक्लूड है जो इंडिया में रहकर कमा तो रहे हैं लेकिन उनका सिटीजनशिप इंडिया के पास नहीं है यदि हम उसको माइनस कर दें तो इनकम ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेन रेजिडेंट्स जो हैं यदि हम इनकम ऑफ फॉरेन फॉरनर रेजिडेंट्स इन इंडिया की बात करें इसको निकाल दें तो भाई हमारे यहाँ इस, इसको निकाल दे तो कौन बचेगा केवल हमारे यहाँ के ऐसे सिटीजन्स जिनका रेजिडेंस भी कहाँ है इंडिया में वो बचे इसके अलावा जो इंडिया में नहीं है एन आर आई की आई इनकम जोड़ दे तो ये फिर फॉर्मूला क्या आ जाएगा तो फिर यदि इस फॉर्मूला में ये दो चीजें कर दे तो ये जीडीपी अब क्या बन गया जी तो जीएनपी एन इज इक्वस टू और ये क्या हो गया है जी डी पी यदि मैं बात करूं जी जी एन पी इज इक्व टू जी डी पी प्लस एनआरआईज इनकम माइनस इनकम ऑफ फॉरन रेजिडेंट्स इन इंडिया तो ये जी डी पी और जी एन पी के बीच का रिलेशन हो गया है. इसके अलावा जी एन पी एक रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं एन एन पी जी एन पी और एन डी पी जी डी पी के बीच का रिलेशन ये क्लियर हो जाएगा अब यहाँ पर जी डी पी की जगह आप एन एन पी कर दो और जी डी जी डी जी जी एन पी की जगह एन एन पी कर दो और जी डी पी की जगह एन 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 डी पी कर दो तो भी फॉर्मूला यही रहेगा तो एन एन पी और एन डी पी के बीच का रिलेशन ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो हमने पहला पार्ट दो पार्ट देख लिए डेफिनेशन वाला टाइप्स वाला अब बात करें फैक्टर कोस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस ये कोई बिस्किट का पैकेट से ये बिस्किट की कोई फैक्ट्री है तो नो no डाउट इस बिस्किट की फैक्ट्री का जो, जो बिस्किट की फैक्ट्री है जब फैक्ट्री से ये प्रोडक्ट ये बिस्किट निकलता है तो इसका प्राइस अलग रहता होगा और जब फाइनल ये कंज्यूमर के पास जाता है तो इसका प्राइस अलग रहता होगा मैंने कहा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ यदि कोई बिस्किट का फैक्ट्री है तो उस बिस्किट की फैक्ट्री का उस बिस्किट में जो कॉस्ट आता है या बिस्किट का होलसेल प्राइस बोल दीजिए या बिस्किट का फैक्ट्री कॉस्ट बोल दीजिए वो काफ़ी वो अलग होता होगा बिस्किट के मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस मतलब जो कंज्यूमर्स को जितने प्राइस में मिल रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो, जो बिस्किट का जो फैक्टर प्राइस होता है या बोले फैक्ट्री प्राइस बोल दीजिए जिसको आप फैक्टर कोस्ट भी बोल सकते हैं तो इसमें न तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज इंक्लूड होती है न ही आपका इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग आजकल जीएसटी बोलते हैं वो इंक्लूड होता है ना तो टैक्सेस इंक्लूड है ना गवर्नमेंट यदि कोई सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है तो वो इंक्लूड है यदि यदि फैक्ट्री कॉस्ट में लेकिन मार्केट प्राइस ये क्या है आपकी मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड है सब्सिडी तो है ही सही इसके अलावा आप यदि कंज्यूमर जा रहा है तो नो डाउट टैक्सेस टैक्स का जो जीएसटी का पेमेंट हो तो यहीं होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड है तो सब्सिडीज़ के बेसिस पे एक डायरेक्ट टैक्सेस के बेसिस पे आप फैक्टर कोस्ट और मार्केट प्राइस को अलग कर सकते हो फैक्टर कोस्ट मतलब फैक्टर कोस्ट मतलब एक तरीके का फैक्ट्री प्राइस जिसमें हमने कहा सहखा अभी सब्सिडी इंक्लूड नहीं होता और वो सब यदि इस फैक्ट्री फैक्टर कोस्ट में जो गवर्नमेंट आपको यदि जो सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं वो निकाल दो और टैक्सेशन इंक्लूड कर दो तो मार्केट प्राइस आ जाएगा यानी यदि रिलेशन निकालना चाहें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में तो रिलेशन सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से आप इनके बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हो और वो रिलेशन क्या आएगा रिलेशन बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस क्वस टू मार्केट प्राइस क्या निकल के आएगा मार्केट प्राइस जिक्वस टू फैक्टर कोस्ट या फैक्ट्री कोस्ट उसमें से उस फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर को जो सब्सिडीज मिली वो निकाल दीजिए और उसको उस उस प्रोडक्ट में जो इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ा जिसे आप जीएसटी बोल रहे वो इंक्लूड कर दीजिए तो ये मार्केट प्राइस आ जाएगा अब जब जीडीपी आप निकालोगे तो जब जीडीपी आप निकाल रहे हो जो जीडीपी क्या है ऑल दी क्या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस तो आप जो गुड्स की जो फाइनल वैल्यू ले रहे हो मॉनेटरी वैल्यू वो आप फैक्ट्री वैल्यू भी ले सकते हो जिसे फैक्टर बोल रहे हैं वो चाहो तो आप मार्केट प्राइस भी ले सकते हो यदि आप जो गुड्स की द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इफ यू आर कंसिडरिंग द मॉनेटरी वैल्यू एज मार्केट वैल्यू तो आप क्या निकाल रहे हो जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो जी डीपी एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा जो भी गुड्स का आप वैल्यू उसमें सम कर रहे हो उसके मार्केट प्राइस को कर दीजिए तो उसको जीडीपी मार्केट प्राइस बोल देंगे यदि आप फैक्ट्री प्राइस पे कर रहे हो तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी यदि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वस टू जीडीपी एट फैक्टर जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इज टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस सब्सिडीज तो टोटल ने uh, पूरे जीडीपी में जितना उन्होंने सब्सिडी दिया है माइनस टोटल माइनस सब्सिडीज प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस कई बार इसी चीज को बोल देता है कि जीडीपी फैक्टर कोर्स फैक्टर कोर्स का क्या फार्मूला होगा फैक्टर कोस का क्या फॉर्मूला होगा आपने मार्केट प्राइस का तो पढ़ाया था लेकिन फैक्टर कोर्स का नहीं बताया तो दोनों चीज़ों को उधर ले जाओ मार्केट प्राइस उस मार्केट प्राइस में सब्सिडी जो दो और इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दो जीएसटी घटा दो अरे इधर इसमें से इन दोनों चीज़ों को उधर ले जाओगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो ये फैक्टर कोस निकल जाएगा कई बार लोग इतना सी चीज़ नहीं समझ पाते हाँ सपने तो अधिकारी बनने के होते हैं लेकिन ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको समझ नहीं होगी फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा तो फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी अब आपकी मर्जी है जीडीपी आप यदि फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हो तो आप फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्ट्री प्राइस ले लीजिए यानी आप उसकी होलसेल प्राइस ले लीजिए यदि आप कंज्यूमर के पास जिस प्राइस पर जा रहा है वो निकालना चाहते हो तो जी एट मार्केट प्राइस निकाल लीजिए इसी तरीके से आप जी फैक्टर कॉस्ट भी निकाल सकते हो जी मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हो इसी तरीके से आप एन डी पी फैक्टर कोस्ट भी निकाल सकते हो मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हो पर बस फर्क ये है जब आप गुड्स का मोनिटरी वैल्यू कंसिडर कर रहे हो तो वो आप कौन सा वैल्यू कंसिडर कर रहे हो वहाँ पर देख लीजिए तो ये आपका फैक्टर कोस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में रिलेशन था जो कि सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू वेरी करता है यहाँ पर यह बात आएगी कि कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा कैलकुलेशन ऑफ जी डी पी ये तो संभव है कि हम टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज तो क्या आप सारे गुड्स एंड वैल्यू सारे गुड्स का सारे सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू का सम करने बैठेंगे इतना टाइम किसके पास है टोटल इनकम ऑफ ऑल सिटीजन टोटल इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स तो आप सारे सिटीजन का एक एक को फोन करके पूछोगे भैया आपकी कितनी इनकम हुई भैया आपकी कितनी इनकम हुई नहीं पूछ सकते जो चीज प्रैक्टिकली नहीं है दोनों सॉल्यूशन दोनों तरीके के मेथड चाहे वो जीडीपी हो या जीएनपी हो प्रैक्टिकल नहीं है एक ऐसे कंट्री में जहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आप कोई यहाँ पर दो पांच हजार लोग थोड़ी है जो सबसे फोन करके पूछ लोगे इनकम ऑफ ऑल सिटीजन तो आप इन सिटीजन का इनकम कैसे देखोगे आपके पास ये डाटा प्रॉपर होना चाहिए जब तक ये डाटा नहीं आएगा तब का आपका जीएनपी का डाटा अटका रहेगा जब तक आपका जीडीपी का डाटा तब तक नहीं आएगा जब तक आपको यही पता नहीं रहेगा कि सारी गुड्स ऑल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज तो पहले तो ये पता लगाओ कि गुड्स फाइनल गुड्स कौन सी है सर्विसेज कौन कौन कितनी पैदा हुई फिर उनका फिर मॉनेटरी वैल्यू निकालो कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेशन के लिए इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं निकाले जाते हैं यह केवल समझने के लिए है जीडीपी का कैलकुलेशन कुछ और तरीके से होता है उसका एक फॉर्मूला है उसको बोलते हैं कंजप्शन फॉर्मूला भाई पैसा पैसा यदि कंट्री में आया तो पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च हुआ होगा तो जी डी पी इज इक्वस्ट टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम सी आई क्या है जी क्या है एक्स माइनस एम क्या है ये चीज समझ लो सी फॉर कंजप्शन कंजप्शन किसका लोगों का कंजप्शन और पी आई फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसके अलावा जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इस चीज को समझिए आप लोग ये फॉर्मूला बिल्कुल बहुत सिंपल है आपके पास यदि जेब में पांच सौ रुपए हैं, आपके पास यदि जेब में पांच सौ रुपए हैं तो आप दो ही चीज कर सकते हो या तो उसको खर्चा करोगे या फिर उसको सेव करोगे या उसको कहीं इन्वेस्ट करोगे सेविंग एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है या तो आप उसका उसका कंजप्शन कर लोगे वो चीज़ ख़रीद के खा आप पाँच सौ रुपये आपने पचास रुपये का बर्गर खा लिया दस रुपये की चाय पी ली नब्बे रुपये का आपने कोल्ड कॉफ़ी पी लिया टोटल ऐसे डेढ़ सौ रुपये आपने खर्च कर दिए बाकी के साढ़े तीन साढ़े तीन सौ रुपये आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए किसी स्कीम में लगा दिया या सेविंग स्कीम में लगा दिए पब्लिक खर्चा दो ही तरीके से कर सकती है या तो या तो कंजप्शन में किसी भी चीज़ का कंजप्ट करने के लिए वो पैसा खर्च करेगी और बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट कर देगी इसके अलावा आप तीसरा काम नहीं कर सकते इसके अलावा आप तीसरा काम नहीं कर सकते अब यहाँ पर जी में वो चीज़ें कंसिडर नहीं होती कि आपने तके के नीचे पैसे घुसा दिए वो इन्वेस्टमेंट तो कोई से भी मेथड में नहीं आ सकता जी में केवल वही चीज़ें वही वैल्यू वही इनकम कंसिडर हो पाती है जो कि ऑर्गेनाइज वे में उसका रोटेशन होता है आपने तकी के नीचे पैसे घुसा दिए दस साल बाद आप देख रहे हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है आपने किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करा आपने किसी गवर्नमेंट के किसी बीमा कंपनी में इन्वेस्ट करा आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा गवर्नमेंट का आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा तो वो इन्वेस्टमेंट जो कि सरकार को दिखता है वो इन्वेस्टमेंट जो कि कागजों में दिखता है वो इसमें वो इन्वेस्टमेंट जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड है यहाँ पर उस इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है वो कंजप्शन जो कि आप जिसका पेमेंट कर रहे हो जिसका बिल ले रहे हो वो कंजप्शन जिसका आप जीएसटी पे कर रहे हो ठीक है तो कंजप्शन तो आप पैसे का दो ही तरीके से यूज कर सकते हो इन ऑर्गेनाइज वे इन ऑफिशियल वे या तो आप उसका कंजप्शन करोगे उससे कोई चीज खरीदोगे उससे कोई सर्विस लोगे और उसका पेमेंट करोगे या फिर आप उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में डालोगे ये तो हो गई लोगों की बात सी प्लस आई अरे गवर्नमेंट भी तो पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आप ले लीजिए चूंकि हमें एक ओपन ओपन मार्केट इकोनॉमी है ओपन मार्केट इकोनॉमी मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी हमारा ट्रेड होता होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी हमारा इकोनॉमिक इंगेजमेंट होता होगा हमारे यहाँ से कई लोग रेमिटेंस भेजते हैं कई दुबई वगैरह सिंगापुर से कई रहने वाले हमारे लोग वहाँ से रेमिटेंस हमारे यहाँ पर भेजते हैं पैसे का लेन देन हमारे यहाँ पर होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमारे यहाँ पर होता है तो कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इम्पोर्ट हुआ मनी कितना एक्सपोर्ट बाहर गया और कितना हमारे अंदर आया तो इस चीज को यदि इन सारों चीजों का सम निकाल लोगे नेट एक्सपोर्ट इसको क्या बोलेंगे एक्स माइनस है नेट एक्सपोर्ट यदि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट निकाला तो आपके नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो नेट एक्सपोर्ट आपका नेगेटिव होगा एंड वाइस वर्सा आपको पता ही है यदि नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा तो आप यदि इनको निकाल लोगे तो आपने पैसा कहां कहां पर खर्च खर्च हुआ कंजप्शन में खर्च हुआ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में खर्च हुआ पब्लिक का गवर्नमेंट का अपना एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो गई एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इसको बोलते हैं कंजप्शन फॉर्मूला टू कैलकुलेट जी तो जी चार तरीके की इसके अलावा फैक्टर कोर्स मास्टर मार्केट प्राइस और यह फॉर्मूला अब एक और बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है Income, पर कैपिटा इनकम इज इक्व टू नेशनल इनकम अब यहां पर चूंकि हम रेजिडेंस सिटीजेंस की बात कर रहे हैं तो सिटीजेंस में हम किसको कंसीडर कंसिडर करेंगे जी में अपॉन टोटल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन तो हमारी वही होगी टोटल हमारे यहां पर कितने सिटीजेंस हैं टोटल हमारे यहां पर कितने सिटीजेंस है अब आपके पास यदि आपके घर में आप आपके घर की टोटल इनकम यदि पचास हज़ार रुपये है और आपके घर में चार लोग हैं तो आपके घर में एवरेज पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई एक पर्सन को साढ़े बारह हज़ार मिले दूसरे को साढ़े बारह हज़ार मिले तीसरे को साढ़े बारह हज़ार मिले चौथे को साढ़े बारह हज़ार रुपये मिले तो हो गए आपके पचास हज़ार रुपये तो ये चीज़ आपने निकाली कैसी साढ़े बारह हज़ार रुपये टोटल इनकम कितनी थी और वो इनकम कितने लोगों में बटी तो कितना हो गया साढ़े बारह हज़ार रुपये ऐसे ही ऐसे ही यहाँ पर टोटल इनकम कितनी है और वो हमारी टोटल पॉपुलेशन में बटेगी तो एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी इसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम पीसीआई सी आई इसको बोलते हैं बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है टोटल एवरेज आप पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में तो एवरेज के बेसिस पे ही आपको यहाँ पर ये यह चीज़ समझ में आ रही होगी तो यह आपका नेशनल इनकम था नेशनल इनकम में समराइज़ कर लेते हैं नेशनल इनकम को देखने के दो तरीके हैं यहाँ पर आइए आप नेशनल इनकम की डेफिनेशन को आप गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू के आधार पर निकाल सकते हैं या लो, लोगों की इनकम के बेसिस पे आप उसको कंसिडर कर सकते हैं सिटीजन्स की इनकम मान लीजिए या गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल इनकम के रूप में आप कंसिडर कर लीजिए अब इसके अलावा जी जी और जी आप इनकम में रेजिडेंस जो हमारे पास जिनका रेजिडेंशियल इंडिया इंडिया में है उनको कंसिडर कर रहे हो या इंडिया के सिटीजन कंसिडर कर रहे हो उस बेसिस पे भी ये दो पार्ट में डिवाइड होता है जीडीपी और जीएनपी अब आप इसी में से डिप्रिशिएशन को निकाल दोगे तो जीडीपी से NDP और, आ, जी एन निकलेगा और जीएनपी से एन निकलेगा अब आप जी की या जी की कैलकुलेशन में जो मोनिट्री वैल्यू ले रहे हो वो आप फैक्ट्री प्राइज़ ले रहे हो या फिर आप मार्केट प्राइस ले रहे हो जो दोनों में जो ये दोनों का जो रिलेशन है वो सब्सिडीज से और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में देखने को मिलता है क्योंकि जो फैक्ट्री कॉस्ट होती है जो फैक्ट्री का प्राइस होता है उस फैक्ट्री के यदि प्रोडक्ट ये बिस्किट ये बिस्किट की फैक्ट्री थी आपकी यहां पर देखो आप इस बिस्किट की यहां पर जो फैक्ट्री थी इस पर अभी तक टैक्स नहीं लगा इस बिस्किट की जो फैक्ट्री थी इसको जो बनाया इसकी जो कॉस्ट आई जो मॉनेटरी वैल्यू थी अभी तक जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी वो नहीं मिली सब्सिडी या टैक्स तब लगेगा सब्सिडी तब मिलेगी जब ये प्रोडक्ट इस फैक्ट्री से बाहर जाएगा तो फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री और फैक्ट्री में टैक्स नहीं होता फैक्ट्री में सब्सिडी नहीं मिलता जब ये चीज़ मार्केट में जाएगी तो ये सब्सिडी और टैक्स के साथ जुड़ेगी और उसके बाद ये फैक्ट्री कॉस्ट चेंज होगा क्योंकि मार्केट प्राइस में बढ़ आएगा अब ये फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट और मार्केट प्राइस में रिलेशन क्या हो सकता है यदि मार्केट प्राइस फैक्ट्री कॉस्ट से ज़्यादा है तो नो no डाउट जो फैक्ट्री कॉस्ट क्या था सब्सिडी माइनस टैक्सेशन तो यानी माइनस सब्सिडी प्लस टैक्सेशन तो सब्सिडी और टैक्स इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो फैक्ट्री कॉस्ट और आ, आपके मार्केट प्राइस के बीच के रिलेशन को डिफाइन करेगा फॉर एग्जाम्पल क्या आया था मार्केट प्राइस इज इक्व टू फैक्ट्री कॉस्ट माइनस सब्सिडीज प्लस इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी यदि यदि मार्केट प्राइस फैक्ट्री कॉस्ट से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया जो आपको टैक्स जो टैक्स लगा वो सब्सिडी से ज्यादा गया होगा यदि मार्केट प्राइस फैक्ट्री कॉस्ट से कम आया तो इसका मतलब होगा कि आपका सब्सिडी सब्सिडी जो उस प्रोडक्ट को मिली वो ज्यादा होगा इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी से तो ये रिलेशन था इसके अलावा हमने कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखा कंजप्शन के बेसिस पे पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के बीच का रिलेशन समझा तो ये नेशनल इनकम इस पर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बन सकते हैं हमने उनको कवर करने की इसके सारे डायमेंशन को हमने कवर करा थैंक यू वेरी मच